नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित बिश्नोई और आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो आज हम इस वक्त हैं लूणकंदसन से थोड़ा सा आगे अमन होटल पे और उमावस है आज, मुकाम जा रहे थे तो रास्ते में रुके थे और अब मैं लूणकंदसन से थोड़ा सा आगे अमन होटल पे और एक चीज़ दिखाना चाहूँगा मैं आपको कि यहाँ पे राजस्थान में आके एक अलग सा सुकून होता है। मतलब बहुत जैसे ऐसे लगता है कि काफ़ी पुराने टाइम में आ गए और पीसफुल सी जगह लगती है। रियल जो कि एटमॉस्फेयर की है वो फीलिंग यहाँ पे आती है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी टिब्बे हैं और अब कम हो गए हैं टिब्बे। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि अब यहाँ पे फसल होने लगी है, क्योंकि जैसे 15-20 साल पहले यहाँ पे टिब्बे टिब्बे होते थे तो लोगों के बेचारों की फसल नहीं होती थी, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है तो उस वजह से अब यहाँ पे फसल भी होने लगी, तो ये एक बहुत ही बढ़िया बात है। और यहाँ पे शाम को बहुत मस्त मौसम हो जाता है और शाम को भी वीडियो बना के मैं चढ़ाऊँगा, आप वहाँ से मुकाम जाएंगे तो वहाँ पर। और राजस्थान का ये फेमस प्लांट है खेलड़ी, जो कि जाम्बोजी भगवान द्वारा मतलब कहा गया था कि ये आप लगाइए खेतों में। और जो इसके मतलब इसकी ये खासियत थी कि ये नीचे नीचे जो जैसे और प्लांट्स होते हैं वो जैसे टाली है और है, वो उनके नीचे जो भी फसल लगाते हैं वो ख़राब हो जाती है, पर इसके नीचे कोई भी फसल जैसे है वो ख़राब नहीं होती। और इसकी जो जड़ें हैं वो तकरीबन 100-150 फुट नीचे हैं, तो ये अपनी खुराक नीचे से ही लेते हैं। और दूसरा ये यहाँ के लोगों की नीड्स भी पूरी करता है, जैसे कि लोगों को अब सर्दियों में ये छांक के छोड़ दी, लकड़ी इकट्ठी कर ली और फिर जैसे जैसे फुटार आनी शुरू हो गई, मार्च स्टार्टिंग है जैसे, तो ये धीरे धीरे फिर मतलब एक तो एटमॉस्फेयर को साफ़ रखती है और दूसरा जैसे ये फुटार खा जाएगी तो लोगों की नीड्स भी पूरा करती है। तो जैसे रेत के टिब्बे एक बहुत ही बढ़िया राजस्थान की थार डेजर्ट है जो उसकी निशानी है, तो ये बहुत बढ़िया लगता है, बहुत सुकून मिलता है। और शाम के टाइम अगर आप अकेले बैठो, जैसे कि वो झोंपड़ी दिख रही है वहाँ पे जाके 15-20 मिनट बैठो, तो मतलब इतना पीस और सुकून सा मिलता है। ये बीकानेर का बाईपास है और ये दो फ्लाईओवर्स इकट्ठे हैं और इनसे फ्लाईओवर के ऊपर से लगभग सारा बीकानेर दिखता है राइट साइड में। ये जैसे मतलब सारा ये बीकानेर है और आप जिस पे चल रहे हैं ये बाईपास है। और जैसे ही एक फ्लाईओवर ख़त्म होता है तब दूसरा फ्लाईओवर स्टार्ट हो जाता है और उसके नीचे से रेलवे लाइन है। और इन फ्लाईओवर्स के ऊपर रुककर अगर आप देखोगे राइट साइड को तो लगभग बीकानेर की सभी चीज़ें नज़र आएंगी। काफ़ी लंबे फ्लाईओवर्स हैं ये सारा बीकानेर दिख रहा है यहाँ से। कैमल्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, जो कि थार डेजर्ट के जहाज हैं और मुकाम मेले में लोग इनको लेके आते हैं, बेचते हैं और ख़रीदते हैं, क्योंकि राजस्थान में लोग अभी तक कैमल्स रखते हैं क्योंकि उनके काफ़ी यूज़ आते हैं और ज़्यादातर राजस्थान में ही देखने को मिलते हैं कैमल्स, क्योंकि और एरिया में कहीं देखे नहीं मैंने, पंजाब में तो अपने बिल्कुल भी नहीं देखे, तो ज़्यादातर राजस्थान में ही कैमल्स देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं मुक्तिधाम मुकाम, जो कि यहाँ पे गुरु जम्बेश्वर भगवान की समाधि है और बिश्नोई समाज का ये सबसे मेन मंदिर है और उमावस के दिन यहाँ पे धूप लगती है। यहाँ पर जाम्बोजी भगवान की समाधि है। ये जाम्बोजी भगवान की समाधि है और अब हम इस टाइम मुकाम मंदिर के अंदर हैं।
जो कि बहुत ही बढ़िया बना हुआ है। ये मंदिर के बाहर का दृश्य है, यहाँ पे काफी भीड़ है। और ये हवन चल रहा है यहाँ पे, इसके अंदर देसी घी और खोपरे डाले जाते हैं, जिससे माना जाता है कि एटमॉस्फेयर साफ होता है। नहीं तो आप कोई भी किसी भी चीज़ को आग लगाते हैं तो उससे पोल्यूशन बढ़ता है, पर जब आप नारियल और देसी घी को आग लगाते हैं तो उससे जो एटमॉस्फेयर है वो पोल्यूशन फ्री होता है। जैसे दीपावली पर हम सरसों के तेल से दिए जगाते हैं तो उससे भी क्या है, पोल्यूशन नहीं होता। तो सारी चीज़ें जो जैसे कि जम्मू जी भगवान से जुड़ी हुई हैं वो एटमॉस्फेयर, वाइल्ड लाइफ और उनके मतलब कंप्लीट उनको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखते हुए उन्होंने आगे जैसी चीज़ें दी, जैसे हवन का और भी जैसे प्लांट्स बचाने का। तो ये मुकाम मंदिर है जो कि बीकानेर से लगभग 90 किलोमीटर आगे है और नोखा से लगभग 20 किलोमीटर आगे। ये खेलडी है जो कि जम्बो जी भगवान के टाइम की है, लगभग 500 साल से ज़्यादा पुरानी है और तब की ये हरी है। ना पत्ते नहीं तोड़ते। जम्बो जी भगवान ने जिनको भी बिश्नोई बनाया उनको यही शिक्षा दी कि नेचर को प्यार करे और नेचर को बचाए। तो ये जो खेलडी है ये 500 550 साल पुरानी है और तब से आज तक हरी है, खास बात। और आज हमारे साथ है जय। जय हेलो बोल। क्या और इसमें गाना थोड़ी चलता है, इसमें माइक है। ये देख यहाँ पे बोल, यहाँ पे बोल, यहाँ पे बोल। मंदिर के अंदर बैठे थे चले चले अब वहाँ पे चलते हैं, स्मरथल चलते हैं, स्मरथल चलते हैं चले। और अब जाएंगे स्मरथल दोरा जहाँ पे जम्बो जी ने बिश्नोई बनाए थे पाल दे के, और तकरीबन मुकाम से लगभग 1.5 किलोमीटर है, और वहाँ जाके आगे देखते हैं, ठीक है जय। और ये है स्मरथल दोरे वाला मंदिर जहाँ पे जम्बो जी ने पाल दे के बिश्नोई बनाए थे। और स्मरथल दोरा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये टिब्बा है और यहाँ पे जम्बो जी ने कहा था नीचे से मिट्टी लेके आना, और वहाँ से पूरा नीचे से जहाँ पे दिख रहे हैं लोग मिट्टी लाते हुए वहाँ से मिट्टी लेके आते हैं। हमने भी जाना था पर मौसम खराब की वजह से नहीं जा पाएंगे क्योंकि आंधी आ गई। और यहाँ से कहा जाता है कि नीचे से जो मिट्टी लेके आता है उसको कभी नर्क नहीं नसीब होता, और एक और भी कहते हैं कि जितनी मिट्टी लेके आओगे, जितने किलो मिट्टी लेके आओगे उतना ही उस इंसान के पास सोना होगा। वहाँ से नीचे से मिट्टी लेके आते हैं और यहाँ पे ऊपर गिरते हैं। मौसम काफ़ी आंधी आने वाली है पर सुहाना सा मौसम है क्योंकि शाम का टाइम है, पर आज थोड़े बादलवाई की वजह से और भी मस्त हो गया मौसम। ये मुकाम का एक घर है जहाँ आके रुके हैं, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति है
और यहाँ पे आके ऐसे लगता है कि आप नेचर के बहुत ज़्यादा करीब है, जैसे कि हर गांव में जाके फील होता है, पर यहाँ पे जो पीस है ना वो अलग ही है। यहाँ पे कोई शोर शराबा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल एकदम साइलेंस। मुकाम में ऐसे बहुत सारे घर मिल जाएंगे, लगभग सारे घर ऐसे ही हैं, लोगों ने बना बना के छोड़ रखे हैं, सिर्फ माउस के यहाँ वैसे ही मुकाम दो देने आते हैं, दो ही आते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया है, तो आज है हम समराथल दौरा फिर आए हैं। कल शाम को मौसम ख़राब हो गया था और आज नीचे मिट्टी लेने जा रहे हैं। वो ऊपर मंदिर है और हम वहाँ से मिट्टी लेके आएंगे नीचे से, यहाँ से लोग आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो कि जम्बो जी भगवान ने बिश्नोई बनाए थे यहाँ पे, तो उन्होंने एक ही संदेश दिया था जो कि नेचर के हित में था, नेचर और वाइल्ड लाइफ के हित में, कि वाइल्ड लाइफ की रक्षा करनी है और नेचर की भी रक्षा करनी है। तो जैसे यहाँ पे बहुत सारे जानवर हैं, जैसे कि अपने वोर में वो भी वाइल्ड लाइफ एरिया है, सेंचुरी एरिया है, तो वहाँ पे हिरण वगैरह हैं, हिरण है, रोज हैं, नीलगाय बोलते हैं जिसको। तो और यहाँ पर ये है कि वो पौड़ियों का रास्ता भी है साथ में, अगर कोई वहाँ से जाना चाहे। और तो यहाँ पे उन्होंने एक और बताया था, हाँ, और अपने जैसे वोर के अंदर मोर नहीं है, पर यहाँ पे मोर बहुत हैं जो सुबह सुबह बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं बोलते हैं। यहाँ पे नीचे उतरना तो बहुत इजी है, पर जब चढ़ते हैं तब पता लगता है काफ़ी ऊपर है। और कल शाम को मौसम ख़राब हो गया था इसलिए आ नहीं पाए, तो आज सुबह सुबह बारिश हुई हुई है और ठंडी ठंडी मिट्टी है, मौसम बहुत बढ़िया है। और यहाँ पे बताया जाता है कि नीचे से जैसे मिट्टी लेके आते हैं तो दो तीन चीज़ें बताई जाती हैं, कि एक तो उस बंदे को स्वर्ग नसीब होता है, और दूसरा कहते हैं जितनी मिट्टी लेके आओगे उतना सोना होगा उस आदमी के पास। मतलब काफ़ी कई चीज़ें हैं पर ये इसके पीछे। और जैसे ऊपर चढ़ते हैं अब यहाँ से देखेंगे तो कितनी ऊपर है, वो वहाँ पे जो लोग जा रहे हैं तो वो काफ़ी ऊपर है। और जैसे ऊपर चढ़ते टाइम कहते हैं कि अपने घुटनों को हाथ नहीं लगाना होता, और ये लोग जगह जगह झोंपड़ियाँ बना के जाते हैं। काफ़ी दूर तक छोटी 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 मिट्टी की थूम भी बना रखी है। हमारे पास सब मिट्टी भरेंगे और फिर जाएंगे ऊपर। हाँ, नीचे आना काफी आसान है पर ऊपर जाना औखा है। ऊपर चढ़ेंगे जब देखना, धीरे 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 जाना पड़ेगा, क्योंकि ये मिट्टी है तो जैसे अब तो बारिश आई हुई है तो जमी हुई है, नहीं तो यहाँ पे क्या होता है जैसे ऊपर पैर रखते हैं तो वो सीधा नीचे आ जाता है मिट्टी खिसक के, और यहाँ से मिट्टी निकालेंगे। कितने में पट ले मिट्टी की है बाहर ही, पोली मिट्टी है गा ले। तो यहाँ से मिट्टी ले ली है और अब वो ऊपर मंदिर वहां तक जाएंगे। नीचे उतरना बहुत इजी है पर ऊपर चढ़ना बहुत औखा है। अपन भी यहाँ पे झोंपड़ी बनाएंगे एक। और ये बना दी अपन छोटी सी झोंपड़ी, ज्यादा बड़ी नहीं बनाएंगे, अपन लालच नहीं करेंगे, इंसान में सब्र होना चाहिए, सब्र सबसे जरूरी है।
ये बेरी के प्लांट्स हैं और खेलड़ी भी है, होगी यहाँ पे ज़रूर, किक्कर है, बेरी है। तो जम्बो जी भगवान का ज़्यादा जो था वो नेचर की तरफ, उन्होंने ज़्यादा लोगों को प्रभावित किया कि नेचर को बचाइए, वाइल्ड लाइफ को बचाइए और देसी घी का हवन करिए, जिससे एक तो घर में बहुत ज़्यादा अगर साइंटिफिकली देखें तो पॉजिटिविटी आती है, और अपनी भाषा में देखें तो मतलब सब कुछ बहुत गुड होगा। और अब सही चढ़ाई शुरू हो गई है, तगड़ी वाली, सांस भी फूलने लग गया है। ये साइड में सीढ़ियाँ से अगर कोई चढ़ना चाहे तो थोड़ा इजी है, तो मैंने कभी चढ़ के देखा नहीं, जब कभी बूढ़े होंगे तब देखेंगे, ऊपर तक जाएंगे वहाँ पे। दो रूल्स है ऊपर चढ़ने के, एक तो पीछे मुड़ के नहीं देखना, पीछे मुड़ के देखोगे तो अगले जन्म में कौवा बनोगे, और एक घुटनों के हाथ नहीं लगाना, घुटनों के हाथ लगाओगे तो अगले जन्म में कैमल बनोगे। थार डेजर्ट का जहाज ऐसे लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता, मैं भी कहता हूँ, पर चलो लोगों की बात रिपीट करता हूँ, इसके पीछे क्या लॉजिक है वो मुझे भी नहीं पता। फाइनली ऊपर पहुँच गए, पहुंच गया और तकड़े वाला सांस चढ़ गया। अब चलेंगे यहाँ से सालासर की तरफ, ये खड़ी अपनी गाड़ी। ये हैं छापर के ताल, जो कि मुकाम और सालासर के रास्ते के बीच में आते हैं। यहाँ पे बहुत सारी वाइल्ड लाइफ है, जैसे चिकारा, हिरन, मोर और रोज, और भी काफ़ी सारे जानवर हैं यहाँ पे। वो देखो मोर, और अब हम सालासर से सरदार शहर के रास्ते के बीच में हैं। और भाइयों अब हम पहुंच चुके हैं सरदार शहर, जो कि बालाजी महाराज का मंदिर है यहाँ पर, इच्छापुरनी धाम, और बहुत ही बढ़िया मंदिर है ये। और सरदार शहर लकड़ की चीज़ों के लिए भी मशहूर है, जैसे फर्नीचर और लकड़ के काफ़ी सारे टॉयस भी बनते हैं। और ये था हमारा लास्ट स्टेशन, और इसके बाद सीधा जाएंगे घर, और नेक्स्ट टाइम कहीं और जाएंगे तो वहाँ की वीडियो बनाएंगे। और तब तक के लिए गुड बाय।